हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का 2.40 करते हैं अब। इसमें बोला गया है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इतना। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक और आई दिया हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला अपना आई वाला फॉर्मूला लिख लेना पड़ेगा, आई इंटू CrT। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। टी दिया हुआ है कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कितना होता है 27 में 273 ऐड करेंगे तो अपना केल्विन में आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, प्रेशर पाई दिया हुआ है 0.75 ATM, पर अगर ATM में कैलकुलेशंस है तो R हम लोग लीटर ATM में बोलते हैं 0.0821। ठीक है, 0.0821। ठीक है, और क्या बचा अपना, कंसंट्रेशन बचा लग रहा है, और आई दिया हुआ है तो आई का वैल्यू अपने को पता है 2.47। इन सबको पुट करके पहले सी निकाल लेते हैं। और वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले सी निकाल लेते हैं, सी अपना आएगा पाई पाई IRT। ठीक है, पाई अपना 0.75 था। अच्छा, 0.75 को लिख सकते हैं क्या, 3/4 फेमस नंबर। ठीक है, तो कभी मौका मिले तो लिख ही लिया करो ये सब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। P/Q थोड़ा सा आसान लगता है देखने में। आई 0.0821 इंटू टेम्परेचर विच इज़ 300, करेक्ट। अब इसको 3/4 लिख सकते हैं, है ना, या फिर इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, 25 3 25 4 3 × 100। एटलीस्ट कुछ लाइफ तो आसान दिख रहा है ना। तो ये आ रहा है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 8.21। 100 को 0.08 में दो डिजिट शिफ्ट कर देते हैं, 2.47। ये अपना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब नहीं समझ में आए कुछ भी तो सबसे पहले लिखना चाहिए गिवन, है ना। और यहाँ पे एज वी नो या गॉड एज वी नो वाला ये अपना सेगमेंट है, क्लियर। तो अब अपने को क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, इज इक्वल टू अपने को सी पता है। तो गिवन मास पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। तो गिवन मास अपना क्या हुआ, जो भी आया अपना सी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो अपने को डायरेक्ट दिया हुआ है 2.5 लीटर, फिर से 2.5 नंबर आ गया। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है CaCl2 का, निकाल सकते हैं। CaCl2 यहाँ पे निकाल लेते हैं, कैल्शियम का 40 होता है, 35.5 होता है क्लोरीन का, तो 71 ऐड कर देंगे, 71 प्लस 14 111 का, तो यहाँ पे 111 आ गया। ठीक है, फिर से इसको अप्रोक्सीमेटली करना है तो 2.5 और ये गया 111 डिवाइडेड बाय 4 × 8, 8 4 जा 32, 0.21 से 4 गया तो 0.8, 32.8 अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं, 33। और ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 33 × 3 होता है 99, बचा 12, 120, है ना, तो 3.4, 3 × 4 = 12, 3.4 ग्राम मोर एक्यूरेटली ऐसा आएगा अगर सब कुछ एक्यूरेट लेंगे तो, क्लियर। तो ये आई वाला क्वेश्चन है और ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड है, तो ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड शायद ही कोई क्वेश्चन मिला होगा अभी तक, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑस्मेटिक वाला ही। ओके, बाय एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।